हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योर बिजनेस स्टडी टीचर। जो स्टूडेंट्स हमने कल पढ़ा था तो थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो बिजनेस सर्विसेज का चल रहा है। और स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, कल हमने पढ़ा था बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है। और बिजनेस सर्विसेज के बाद हमने उसके नेचर्स पढ़े थे। नेचर में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था इंटेंजिबल, सेकेंड पढ़ा था लैक ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, थर्ड पढ़ा था हमने इन्वेंट्री, फोर्थ पढ़ा था नॉन ट्रांसबिलिटी, फिफ्थ पढ़ा था कस्टमर पार्टिसिपेशन। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे। क्लासिफिकेशन में हमने बिजनेस सर्विसेज पढ़ी थी, फिर हमने सोशल सर्विसेज पढ़ी थी, फिर हमने पर्सनल सर्विसेज पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स फिर हमने उसके बाद बैंकिंग, बहुत सारी और भी सारी सर्विसेज हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बैंकिंग। बैंकिंग में हम बैंकिंग रेगुलेटरिंग एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग हम ये चल रहे हैं। उसमें हम टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे, जिसमें हमने सेविंग करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये सब पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट है बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, बैंक ड्राफ्ट होता क्या है। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट, ये क्या होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या मतलब होता है, अगर हमने एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अगर कोई पेमेंट करनी है तो हम ड्राफ्ट के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करना चाहते हो, तो अगर मान लो आपने कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लो फिर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया CA करना चाहते हो आप, तो CA करने के लिए आपको पहले CPT का टेस्ट देना होता है। CPT में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो उसकी कुछ पेमेंट होती है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पर ये भी प्रोसेस में आप ड्राफ्ट के जरिए भी उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस जो CA की, जो CPT की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम उसका फॉर्म फिल करके बैंक से ड्राफ्ट ले लेते हैं कि इतनी पेमेंट का ड्राफ्ट काट दीजिए इसके नाम से। ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से हमने क्या कर दिया, ड्राफ्ट काट दिया। तो उसको हमने क्या कर दिया, स्पीड पोस्ट कर दिया। तो स्पीड पोस्ट करने के बाद वो जो ड्राफ्ट है, अगर रास्ते में किसी पोस्टमैन ने वो ड्राफ्ट निकाल के मतलब बैंक में जमा करवाया और अपने नाम पर करवा लिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ड्राफ्ट किसके नाम से कटा है, ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही उसकी पेमेंट ले सकती है, अदरवाइज कोई भी नहीं ले सकता। तो यही सिस्टम है, मतलब अगर हम पैसे भेजते हैं तो पैसे रिस्की होते हैं ड्राफ्ट के राही, ड्राफ्ट सिर्फ उसी के काम आएगा, दूसरे पर्सन के लिए ये रद्दी का कागज है, पर जो ड्राफ्ट जिसके नाम से कटा है सिर्फ उसी को ही बैंक पेमेंट देगा, और मतलब उसकी खाते में ही जमा होगा और किसी का इसका यूजलेस हो जाएगा। तो ये चीज़ आ जाती है बैंक ड्राफ्ट में। तो स्टूडेंट्स ते और पर बैंक कुछ चार्जेस लेता है बैंक ड्राफ्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी ICAI को मतलब ड्राफ्ट पे भेजना है, तो मैंने जितने भी रुपए का ड्राफ्ट बनाया तो अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो मतलब लगा लो 10,000 का ड्राफ्ट है तो बैंक ने 30-40 रुपये ले लिए, तो और फिर वो ड्राफ्ट के बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। तो अगर मान लो मैंने ड्राफ्ट कैंसिल करवाना है तो उसके भी वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आई होप आपको बैंक ड्राफ्ट क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट को मैं बड़े डिटेल से समझाऊंगा ताकि जो आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। एक एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान से समझाऊंगा। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है बैंकर चेक। बैंकर चेक क्या होता है, तो आपने घर में तो देखा ही होगा कि आपके पापा के पास चेक पड़ा होता है किसी भी बैंक का। तो वो जो जो चेक है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, जो मतलब जिस पर्सन का नाम से चेक है उसको हम काट देते हैं, वो थर्ड पार्टी को जाता है। तो थर्ड पार्टी उसका मतलब चेक का यूज़ करके अपनी पेमेंट ले सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी भी बैंक में SBI से खाता खुलवा रखा है, SBI ने मुझे चेक दिया। मान लो मैंने किसी ए नाम के पर्सन को पेमेंट करनी है, तो मैं एक नाम के साथ चेक काट दूंगा, तो ए उस बैंक में जाकर अपन पेमेंट ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपको ये बैंक चेक भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ओवरड्राफ्ट वाला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे देखो ओवरड्राफ्ट वाला टॉपिक आ रहा होगा, स्टूडेंट्स दिख रहा होगा। तो ये देखो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो स्टूडेंट ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर हमारे खाते में जितने पैसे पड़े हैं तो उससे हम ज़्यादा पैसे निकलवा लें तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। मतलब हमारे खाते में 1 लाख रुपया पड़ा है तो हम 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया की पेमेंट कर दें तो जो भी पैसे हम ज़्यादा निकलवाएंगे वो ओवरड्राफ्ट होगा, वो हमारा माइनस में पैसे चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।